इनको दे दिया है खाना, और मैं धूप में हमेशा इनको देती हूँ ताकि धूप भी लगे इनको। देखें इनकी फीड ख़त्म हो गई थी, इस वजह से मैंने इनको अभी ये स्टमक चिकन जो है ना वो बॉईल करके दिया। ये बहुत शौक से खाती हैं, ये लिवर भी खाती हैं और स्टमक भी खाती हैं। चले तो इनको खाना दे दिया हमने, अभी खाना खाते हैं। इसके बाद हम प्यारी प्यारी सी कैट्स को थोड़ा सा साफ़ करते हैं, क्योंकि वाइप से इनकी आई साफ़ करनी चाहिए। हर वीकली 3 to 4 टाइम्स आप इसकी इन कैट्स की जो है ना आई साफ किया करें ज़रूर, वाइप से, वेट वाइप से। चलिए तो इनको खाने देते हैं खाना और फिर बात। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी महक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल महक वर्ल्ड। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आज मेरा व्लॉग टाइम पे नहीं आ सका। टाइम पे क्या, मेरा पूरा व्लॉग ही नहीं बन सका। मुझे सुबह से वॉमिटिंग्स और अजीब नौजिया सा फील हो रहा था, और सर में बहुत हेडेक बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या अचानक से। वैसे 3-4 दिन से मेरे गले में तकलीफ़ थी, आज जब डॉक्टर के पास गए क्लिनिक तो उन्होंने बताया मुझे कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और बच्चों के साथ डॉक्टर के पास जाना भी इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इसलिए नहीं होता इजी क्योंकि बच्चे जो है ना तंग बहुत करते हैं। अभी भी ये लोग जाग रहे हैं, क्योंकि हम लोग लेट नाइट डॉक्टर के पास से आए। मुझे ड्रिप लगी हुई थी और सबसे पहले यहाँ प्रिक किया, आई शो यू, यहाँ प्रिक किया, इधर से वेन उनको नहीं मिली, फिर इधर प्रिक किया। ये मेरे अभी ये जो ये है ना, ये पूरी सॉइलिंग हुई हुई है, और ये फिंगर मेरी ऐसे मूव नहीं हो रही, ये बहुत बुरी तरीके से अंदर की तरफ। ये तो अभी पूरा साफ़ किया है, वरना इधर पूरा ब्लड लगा हुआ था, पूरा ब्लड इधर से निकल के पूरे हाथ में लगा था। काफ़ी देर मुझे पहले उसमें ही काफ़ी टाइम लग गया, ड्रिप लगने में और उसको एडजस्ट होने में भी बहुत टाइम लग गया। इस वजह से आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आ सका, बट इंशाल्लाह ताला मैं कल से आपको ज़रूर अच्छा व्लॉग एक दूंगी। और अच्छा, मेरे एक इंडियन सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। क्या नाम था उनका, सुमित, सुमित है कोई, तो उनका बहुत सुमित भाई का थैंक यू, आपने मुझे वीडियो पे कमेंट किया और मेरे सब्सक्राइबर बने। इंडिया से जो जो मेरे सब्सक्राइबर बनते हैं तो उनको वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम मी। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ बात करने में, और मेरे रूम में इस वक्त बहुत रश हो रहा है क्योंकि सारे कज़न्स मुझे देखने आए हुए हैं और मुझे कम देख रहे हैं, मस्तियाँ ज़्यादा कर रहे हैं। खैर, अभी मैं एक चैलेंज इन लोगों से ज़रूर करवा रही हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे वीडियो नहीं बनाने देते, तो मैंने कहा ठीक है हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। अब ट्रूथ एंड डेयर में ये होगा कि ट्रूथ एंड डेयर ये लोग या तो ट्रूथ चूज़ करेंगे या डेयर चूज़ करेंगे। ट्रूथ अगर इनको बताना होगा बताएंगे, अगर ये नहीं बता सकेंगे तो डेयर करना होगा, और वो डेयर बहुत ही स्पाइसी डेयर है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो गाइस, डेयर हो चुकी है स्टार्ट, और ये है मेरा कज़न हसनैन, मेरा भाई मोहसिन और मेरी कज़न का बेटा अली, और इन तीनों में डेयर हो रही है। या तो ये ट्रूथ चूज़ करेंगे या तो डेयर, और जिसने डेयर चूज़ की उस डेयर में हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये डेयर है ग्रीन एंड रेड चिलीज। और ट्रूथ अगर चूज़ किया तो अपनी लाइफ का कोई भी ऐसा ट्रूथ बताना पड़ेगा जो किसी को पता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ डेयर स्टार्ट, और क्या कहते हैं अभी ये बॉटल स्पिन कौन करेगा, सेलेक्ट तो कर लो भाई, कौन डिसाइड, वो मतलब मैं करूंगा। अबे अली तुम्हारी अली 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 के ऊपर आया, अली के ऊपर आया, चलो डेयर करो, डेयर डेयर करोगे, डेयर करना है। गाइस ये है क्या, ये है ग्रीन चिलीज एंड रेड चिलीज। अब ये अली के ऊपर है कि ये अली कौन सी खाता है, रेड या ग्रीन, कौन सी खाओगे? दिस वन, पूरी खानी है, चल पूरी खानी है, नहीं खाओ अली जी, खाला चलो खा के दिखाओ बेटा, फिनिश नो
आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। और ये मेरे हस्बैंड बोल रहे वन मोर वन मोर, ये पहले बोलना चाहिए था दूर। बस बस नहीं, चलो एक सही है, अभी छोटा है, छोटा है। चलो जी ये हो गया अली का डेयर कंप्लीट। अली की ये हालत हो रही है, अभी हमने इसको कोल्ड ड्रिंक दी है। अली आंसू आ रहे हैं भाई, आंसू आ रहे हैं यार, आई एम सो सॉरी। बट तुमने डेयर चूज की तो फिर यही होगा ना। क्या हुआ तुम्हें? ट्रुथ अगर तुम चूज करते ना तो ऐसा नहीं होता। चलो जी तो वापस स्पिन करते हैं बॉटल भाई। कोल्ड ड्रिंक वर्स्ट वर्स्ट ये चैलेंज है क्योंकि चलिए जी तो डेयर होती है वापस से स्टार्ट। और अब स्पिन कौन करेगा? बॉटल स्पिन करो। ये कर सही सही हुआ। एक सेकंड हसनैन, हसनैन के ऊपर नो कट ओनली शूट। चलो नो कट। अब आप बताएंगे अपनी लाइफ का कोई डेयर, या तो आप डेयर चूज करेंगे या तो आप अपनी लाइफ का कोई ट्रूथ बताएंगे। मैं एक ही बता देता हूँ, हमने भाई खाला के साथ बहुत गलत किया था। क्या किया था? हम लोग रमजान में गए थे पराठे लेने, हम दोनों शामिल थे। हम मौसमी हम पराठे लेने गए थे, हमारे पीछे लगे थे कुत्ते। ये हम लोग वहाँ पे जा रहे, हम लोग ना इकरा यूनिवर्सिटी हम लोगों ने क्रॉस करी, हमारे पीछे लगे कुत्ते। कुत्ता बिल्कुल करीब आ गया था, मैंने बिल्कुल ना उसके ना मुंह पे ना पराठे की थैली ऐसे घुमाई ना, उसने बाइट ले ली उसमें। फिर ना वो पराठे ना रोड पे ना गिर गए सारे ना। फिर हम लोग उस पराठे वापस जब हम आए ना घूम के, अब शहरी में ना टाइम ना रह गया था बहुत कम, हम लोगों ने वही पराठे उठाए, उसको साफ करा और हमने तुम्हारी खाला को खिला दी। हाँ लेकिन सीन बहुत। ये तुमने अपनी मम्मा को नहीं खिलाया था क्योंकि वो भी मेरी खाला है, किसी और खाला को खिलाया है। तुम्हारी दूसरी खाला को खिलाया था जिनके तुम अभी घर जाती हो। ओके जी तो ये था इनका ट्रूथ ऑफ द लाइफ और ये आज सामने आया है। थ्री स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो स्टार्ट। हसनैन की डेयर हो चुकी है, अली की डेयर हो चुकी है, अली की हालत ख़राब हो रही है, बस इससे ज़्यादा और डेयर नहीं करवा सकते। अब है मौसनीन की बारी जो के बताएगा ट्रूथ या तो फिर डेयर चूज करेगा। तो आप क्या डेयर चूज करना चाहेंगे या ट्रूथ? मैं अभी क्या करूँ, अपनी लाइफ का कोई ट्रूथ बता दो। ओके जी। अच्छा भाई सीन ऐसा कुछ हुआ था कि जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे मेरे बहनों ही आए थे काम से, तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, फ्राइज खा रहे थे वहाँ कैफेटेरिया। तो फ्राइज खा के हम लोग बाहर निकले, थोड़ा वॉक करे थे, तो सामने रेंजर्स थी, उन्होंने हमें बुला लिया, बोला आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हुटिंग कर रहे हो, मतलब हुटिंग कर रहे हो। तो हम लोग नहीं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करे, हम लोगों से बहसबाजी हुई, काफ़ी बात हुई इनसे। तो उन्होंने बोला अब आप यहाँ पे ना मुर्गा बन जाओ, या तो मुर्गा बन जाओ या तो फ्रॉक जंप करो। और उन्होंने बोला दोनों में से कुछ भी डिसाइड करो। वो भी वहाँ से मस्ती के मूड में थे, सीरियस में तो ऐसा नहीं करवाते। मैं जब फ्रॉक जंप कर लूँगा वो ईजी लग रहा है, मैं तो फ्रॉक जंप कर दिया आराम से, मेरे बहनों ही नहीं कर पाए। फिर उन्होंने हमें जाने दिया, बस फिलहाल तो यही फनी सी। फ्रॉक जंप आपने कहाँ से लेके कहाँ तक की थी मुझे ये बता दें बस, कितना फीट की थी? फ्रॉक जंप हमने कम से कम 200 मीटर किए। OMG ये ट्रूथ सीरियसली आज बाहर आया है और इसके बाद पता नहीं लोग क्या की बहुत से फनी सीन्स है, लेकिन अभी फिलहाल यही हुआ था। फिलहाल तो अभी यही है, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग कोई ना कोई डेयर एक वंस अ वीक हम एक डेयर ज़रूर करेंगे। अभी तीनों की डेयर्स पूरी हो चुकी हैं और अभी सिर्फ मैं बची हूँ और मैं अपना एक लाइफ का बहुत बड़ा डेयर समझे, डेयर नहीं ट्रूथ और डेयर दोनों ही है ये मैं बताने जा रही हूँ। और वेट आई विल स्पीक यू। अच्छा जी तो मुझे बतानी थी अपनी लाइफ की एक स्टोरी जो कि ट्रूथ भी होगी और डेयर भी होगी। सही है, हम थ्री स्टैंडर्ड में थे, मेरा भाई था और मैं थी, हमारा न्यूली एडमिशन हुआ था आयशा भवानी अकेडमी, एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी स्कूल है और कॉलेज भी उधर अब। तो वहाँ ऐसा हुआ था कि हमारा फर्स्ट डे था और मुझे मुरसलीन मुझे मम्मा पापा ने ना पैसे दिए थे कि भाई को भी दे देना चेंज करवा के और ख़ुद भी रख लेना।
अब मेरे पास चेंज वहाँ हुए नहीं, मैं बॉयज़ का सेक्शन अलग है, गर्ल्स का सेक्शन अलग है, बारिशों के दिन हुए थे, कीचड़ फुल हुई भी थी, अब मुझे टेंशन हुई मेरे भाई ने कुछ खाया नहीं, लंच नहीं किया, वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, सच में मुझे बहुत टेंशन हुई थी। मैं किसी तरह बुआ से इजाज़त लेके उनसे परमिशन ली और फिर बॉयज़ सेक्शन में गई। बॉयज़ सेक्शन में जाने के बाद मुझे नहीं पता था इतना बड़ा मेरे साथ वाकया पेश आ जाएगा। वहाँ पूरे बॉयज़ सेक्शन में पानी भरा हुआ था एंड कीचड़ इतनी ज़्यादा थी ना, इतना ज़्यादा मैस था उधर, मैं भागती भी जा रही थी और कीचड़ में सारे बॉयज़ के सामने गिर गई और इतना बुरा गिरी थी मैं, और सब हंस रहे थे, किसी एक में भी इतना शर्म नहीं थी कि मुझे उठा के या मेरी कोई हेल्प कर दे। वहाँ बुआ भी थी, वो भी हंस रही है, बुआ भी हंस रही है। चलो खैर, मैं छोटी थी उस टाइम, इतना वो नहीं हुआ। मैं उसी कीचड़ वाले हुलिये में गई अपने भाई की क्लास में और मैंने उसको पैसे दिए कि मुरसलीन आप कुछ खा लेना, मम्मा ने मुझे पैसे दिए थे। और मेरे भाई ने जवाब मुझे पता है क्या दिया था, ये तुम किस हुलिये में मेरी क्लास में आ गई हो, मेरी तुमने नाक कटवा दी। एक तो ये मेरी लाइफ का ट्रूथ है। दूसरी बात कि हम उसी स्कूल में पढ़ रहे थे और उस टाइम हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे और फिफ्थ स्टैंडर्ड में हमारा दिल किया कि हम मारें बंक। तो मैंने और मुरसलीन ने, हम दोनों भाई बहनों ने बंक मारा था। 3 डेज तक हमने बंक मारा था, क्लास में नहीं गए थे हम लोग, अपनी कॉलोनी में छुपते थे, 3 दिन तक स्कूल नहीं जाते थे। सुबह 7 बजे हम स्कूल के लिए निकलते थे, टिफ़िन बॉक्स लेके हम लोग घूमते थे फिरते थे कॉलोनी में, कभी छतों पे छुप रहे, कभी दीवारों पे से जंप ले रहे। और इतनी बुरी तरीके से मुझे चोट लगी थी, मेरे अभी तक यहाँ निशान रैशेज है सारे, मेरे पूरे हाथ कट गए थे इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि बहुत लंबी वॉल थी वो जहाँ से हमने जंप किया था। और वो एक आंटी है, सही है हमारी वो आंटी थी, वो मेरी मम्मा की फ्रेंड थी, उन्होंने हमें छुपे हुए देख लिया, उन्होंने जिस दिन मम्मा को बताया था ना, अच्छा हम सब मम्मा को बोल रहे थे मम्मा आजकल जो है ना पेंट चल रहा है क्लासेस में, इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाती है, ऑफ जल्दी हो जाता है इस वजह से। मम्मा ने एक दिन जो है ना कहा कि इतनी दिन तक पेंट कैसे चलता है। और जब मेरी फ्रेंड थी सना की अम्मी ने जब मेरी मम्मा को बताया ना कि आपके बेटी और बेटा स्कूल ड्रेसेस में छुप रहे होते हैं इधर उधर, पेड़ के पीछे, कभी कभी छतों पे, कभी दीवारें फैलांग रहे होते हैं, कभी कुछ, तो वो मम्मा तक पहुंची। और फिर मम्मा ने जो हमारी कुटास लगाई थी ना, आई विल नेवर टेल यू उसका मज़ा क्या था, आज तक मुझे याद आता है, क्योंकि माँ की मार कौन भूल सकता है यार। और आज मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं है और मम्मा सीरियसली मैं आपकी मार को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि आपकी मार में हमारा प्यार था। तो ये थी मेरे लाइफ की 2 स्टोरीज़ जो कि मैंने बताई और इस हाल में बताई है। सीरियसली मैं इतनी वीकनेस हो रही है ना, इतनी नींद आ रही है, बस मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया और आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड करने की कोशिश की है। प्लीज़ हो सके तो मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी, जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मेरी वीडियोस उतनी अच्छी होंगी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ, कोई मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैंने बहुत एक्सपेंड किया है यूट्यूब पे या बहुत ज़्यादा, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जो मेरे पास मोबाइल है छोटा सा, मैं उसी से व्लॉग एडिट करती हूँ और उसी पे अपना व्लॉग्स बनाती हूँ, तो मेरी आदत नहीं है फजूल खर्च की। तो जब मेरा चैनल ग्रो होगा इंशाल्लाह ताला, आप लोगों की दुआओं के साथ जब मेरा चैनल ग्रो होगा, तो मैं उस पैसों से ही अपने लिए बहुत कुछ करूँगी फिर इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है, मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है, मेरा चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस। जी तो गाइस, ये है न्यू मास्क, वैसा ही वाला है ये, बट ये न्यू मास्क है, मेरे बेटे ने फेंक दिया था कहीं, मैंने सोचा आप लोग सोचे कि मैंने ज़मीन से उठा के वापस से यूज़ किया, इसलिए मैं आपको पैकेजिंग इसकी दिखा रही हूँ। ये न्यू मास्क है, अभी मैं खोल के फिर पहन के फिर आपको बताती हूँ अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा डेयर और ट्रूथ भी।